हेलो फ्रेंड्स, asushomekitchen.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि व्रत के समय में खाना बहुत ही ज्यादा कॉमन और हेल्दी माना जाता है, जो है साबूदाना की खिचड़ी। खिचड़ी अगर आपकी भी चिपचिपी बनती है तो ये वीडियो आप प्लीज एंड तक देखिएगा, आपकी भी बिल्कुल परफेक्ट खिचड़ी साबूदाना की इसी तरीके से बनेगी जिस तरीके से आप अभी यहाँ पर मेरी रेसिपी शेयर होते हुए देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में मैंने यहाँ पर रात भर भिगोया हुआ ये साबूदाना ले लिया है, जिसका एक एक दाना देखिए बिल्कुल खिला खिला है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है और बहुत ही ज्यादा खिला खिला है। तो ये जो रेसिपी का मेथड है ना, ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, तो डिस्क्रिप्शन पे इसकी डिटेल वीडियो आप जरूर चेक कर लीजिएगा इस परफेक्ट साबूदाना के लिए। अब इसमें मैं डालूंगी यहाँ पे एक कप जितना कोर्स करा हुआ हमारा ये मूंगफली का पाउडर, जिसे मैंने रोस्ट करके इसके छिलकों को अलग निकाल के इसे पीस लिया है। अब इसमें स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया है, सेंधा नमक, क्योंकि मैं इसे व्रत के लिए बना रही हूँ। आप इसे नॉर्मल डेज के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप अपने हिसाब से नमक ऐड कर ले। अब इसमें डालूंगी मैं आधा चम्मच जितना ये फ्रेश लाइम जूस, एक छोटा चम्मच जितना डालूंगी देसी घी और इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूंगी। मूंगफली का जो मैंने क्रश कोर्स पाउडर इसमें डाला है, उसकी वजह से ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगा और इसकी जितनी भी नमी है वो ये सोख लेगा। अब इसमें डालूंगी मैं ये कड़ी पत्ता, जिसको मैं क्रश करके डाल रही हूँ, इससे इसका फ्लेवर इसमें आ जाएगा। अब इसे ढक के मैं साइड रख दूंगी 5 मिनट के लिए। अब साइड में मैंने ले ली है एक कढ़ाई, जिसे मीडियम फ्लेम पे मैंने गरम कर लिया है और इसमें डाल दिया है 4 बड़े चम्मच जितना ये देसी घी। देसी घी में ही खिचड़ी का असली मजा है। अब इसमें डालूंगी मैं ये आधा कप जितनी मूंगफली, कच्ची मूंगफली ले रही हूँ और इसे 2 मिनट के लिए मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लूंगी, जब तक कि इसका स्किन अलग चटके ना होने लगे और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाए। आप यहाँ पर तड़के के साथ ही इस मूंगफली को ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि वो फाइनल रिजल्ट तक खिचड़ी में बिल्कुल सौगी सौगी सी लगती है। तो आप मूंगफली को हमेशा सेपरेटली पहले फ्राई करके अलग निकाल के ही यूज करें खिचड़ी में। अब जो बचा हुआ घी था उसमें मैंने 1 चम्मच डाला है जीरा, 2 हरी मिर्च और करी पत्ता। करी पत्ते को डालने के बाद इसको हल्का सा हम इसको चला लेंगे, जिससे करी पत्ता बढ़िया से स्प्लैटर हो जाए। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 2 मीडियम साइज के आलू, जिसे मैंने क्यूब कट में डाला है और इसको आप किसी भी शेप में कट करके डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे मैं 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसके फ्राई होने तक इसको चला लूंगी, जिससे इसमें थोड़ा सा हल्का हल्का क्रिस्पीनेस आ जाएगा। फिर इसमें हम डालेंगे हमारा जो ये रेडी करा हुआ साबूदाने का मिक्सचर है, इसको डालने के बाद आपको आराम से इसे 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे चला लेना है। इससे क्या होगा, आपका जो साबूदाना है ना वो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ट्रांसल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे इसमें बिल्कुल भी पानी की मात्रा ऐड नहीं करनी है, इसीलिए मैं इसे अच्छी तरीके से पहले चला लूंगी। फिर 3 मिनट के बाद इसमें ऐड करूंगी हमारी फ्राई करी हुई मूंगफली और इसके साथ फिर से 2 मिनट के लिए मैं चलाऊंगी। टोटल मैंने इसे 5 मिनट के लिए चलाया है, जिससे कि हमारी साबूदाने के आप दाने देखिए हल्के हल्के ट्रांसल्यूशन होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे आपके लिए एक ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पे घी की जगह पानी का भी यूज कर सकते हैं 2 चम्मच या फिर घी का, इसमें फर्क कुछ नहीं आएगा, बस आपका साबूदाना बढ़िया तरीके से कुक हो जाएगा। 3 मिनट के लिए मैंने इसे लो मीडियम फ्लेम पे रख दिया था और 3 मिनट के बाद हमारा जो ये साबूदाना है परफेक्टली बन चुका है, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस दिख रहा है और इसकी खुशबू तो मेरे पूरे किचन और घर में आ रही है। आप इस तरीके से साबूदाना की खिचड़ी बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आपकी साबूदाना की खिचड़ी बहुत ही ज्यादा यम्मी एंड डिलीशियस बनेगी, साथ ही बिल्कुल नॉन स्टिकी बनेगी। बहुत से लोगों की स्टिकी बनती है तो अब उनकी ये रेसिपी कभी भी चिपचिपी साबूदाना खिचड़ी की नहीं बनेगी। इस तरीके से अगर आप सारे के सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो ये लीजिए हमारी साबूदाना की बहुत ही खिली खिली एक एक दाना अलग अलग वाली खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। आई होप आपको ये देखने में ही बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लग रही हो। व्रत के समय में इस खिचड़ी का तो मजा ही कुछ और होता है, तो इस खिचड़ी को आप एक बार बना के जरूर देखिएगा, एक अलग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इस साबूदाना की खिचड़ी को बना के। आई होप आपने इससे पहले इस स्टेप से या इस तरीके से इस खिचड़ी को बना के ट्राई नहीं किया होगा, तो एक बार इसे ट्राई करें व्रत में या फिर नॉर्मल डेज के लिए भी इसे आप
ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी आज की पसंद आई होगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदा दिली बनाए रखिए, जुड़े रहिए आसुसोम किचन से। हर हर महादेव।